दिल्ली में आज सुबह एक बार फिर ऑफिस पहुंचने वाले कर्मचारी देरी से ऑफिस पहुंचे, तो वहीं बाकी यात्री भी परेशान रहे। हुआ कुछ यूं कि दिल्ली में सोमवार के बाद एक बार फिर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस में गुरुवार सुबह तकनीकी दिक्कत आ गई। इसके चलते मेट्रो सेवा पर असर पड़ा। द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली के बीच वाली ब्लू लाइन मेट्रो में खराबी की वजह से कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। हालांकि बाकी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवा नॉर्मल है। पिछले चार दिनों में ये दूसरी बार है जब ब्लू लाइन पर तकनीकी दिक्कत की वजह से यात्रियों को परेशानी आई है। दिल्ली मेट्रो की तकनीकी खराबी की जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्वीट करके दी है। DMRC ने ट्वीट किया, ब्लू लाइन अपडेट, द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली के बीच सेवा में विलंब है। सुबह सुबह मेट्रो के देरी से चलने की वजह से ऑफिस जाने वाले समेत बाकी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए मेट्रो के लेट होने की जानकारी अपने साथियों को दी। हफ्ते भर में दूसरी बारी है जब ब्लू लाइन मेट्रो में दिक्कत आई है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में सोमवार शाम तकनीकी खराबी आई थी। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक खराबी को करीब 1.5 घंटे में ठीक कर लिया गया था। हालांकि यात्री करीब 2.5 घंटे तक परेशान रहे। ब्लू लाइन में तकनीकी खराबी की वजह से नोएडा और वैशाली की तरफ जाने वाले हजारों यात्री फंस गए थे। इसके अलावा मंडी हाउस और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का भी बुरा हाल था। आपको बता दें कि रोजाना सुबह सुबह दिल्ली मेट्रो की मदद से हजारों यात्री दफ्तर जाते हैं, और अगर आपको मेट्रो में ट्रैवल करना है तो वक्त पर पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा टाइम इस दौरान निकाल कर चलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।